मेरा नाम इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खान ही है। हकपरस्त रुकने को मैं असेंबली लतीफ़ाबाद से हूँ। वासा जो हमारे यहाँ ज़िम्मेदार है हैदराबाद व लतीफ़ाबाद में पीने का साफ पानी फराहम करने का और निकासी आब के तमाम मामलात को देखने का, ख़ासतौर पर जो बारिश के दिनों में हैदराबाद लतीफ़ाबाद में मसाइल होते हैं उनको भी वासा हल करता है। लेकिन बदकिस्मती से ये अदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम की शहरियों की खिदमत करे और ये अदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है कि जो बुनियादी ज़रूरत है पानी वो अवाम को पहुँचाए, लेकिन अपने वसाइल की कमी की वजह से वो अक्सर लोगों उसमें शिकायत रहती है और वो चीज़ें नहीं हो पाती। हमने जब इस सिस्टम को करीब से देखा तो क्योंकि ये ऐसा अदारा है कि जो सिर्फ सर्विसेज देता है और जब सर्विसेज ये देता है तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको बिल वसूल करने की इजाज़त दी हुई है कि वो अपने बिल आवाम पे लागू कर सकता है और बिलों का रेट इतना कम है कि जो अगर इसके तमाम अखराजात देखे जाएँ जिसमें इसके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें हैं, इसकी मशीनों की मेंटेनेंस है और जो सफाई की गाड़ियां हैं, जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े जनरेटर्स हैं जो लाइट जाने पे चलते हैं, उनके डीजल के अखराजात हैं, तो बिलों की पूरी रकम भी अगर अदा हो रही हो तो उससे वो फिर भी उसके अखराजात पूरे नहीं होते। जबकि हमारे यहाँ आवाम में वासा के पानी के बिल देने का, सेवरेज के बिल देने का रुझान ना होने के बराबर है। हम शहर से बाहर से दुकान से पीने की साफ पानी की एक बोतल ख़रीदते हैं वो हमें 40 से 50 रुपए की मिलती है, जबकि वासा का पानी जो फ़िल्टर पानी हमें हमारे नलकों में मैसर होता है उसका बिल देने में हम अक्सर सुस्ती करते हैं। हम सब की ये शहरी ज़िम्मेदारी है कि अपने इदारों को मजबूत करें, इदारों के साथ तआवुन करें, क्योंकि सिंध हुकूमत को जो वसाइल फराहम करने चाहिए वो इन इदारों को नहीं दे रहे और इन इदारों को अपनी सेल्फ जनरेशन पे, टैक्स जनरेशन पे अपने मामला चलाने, तो हमें उनके एम्प्लॉज़ के बेहतर माहौल देने के लिए, उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए, इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ये हमारा शहरी फ़र्ज़ है कि वासा के अखरा जो बिल हैं उनको बरवक्त अदा करें ताकि वासा अपनी सर्विसेज को आवाम तक बेहतर अंदाज में पहुँचा सके।